बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच का आगाज़ नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ। पहले दिन के अख्ताम पर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने बड़ी उम्दा बैटिंग की और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने इस विकेट पर थोड़ी सी मेहनत करते हुए दिखाई देते हुए नज़र आए, विकेट की जद्दोजहद करते हुए नज़र आए। आज इसी हवाले से हमारे प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद हैं हाजी अशरफ साहब, हैं हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, उनके साथ साथ जो है स्पोर्ट्स रिपोर्टर जाफर हुसैन साहब मौजूद हैं, उनके साथ केसीसी जोन टू के जॉइंट सेक्रेटरी जमील अहमद साहब मौजूद हैं। तमाम साथियों को जो है हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। हाजी साहब क्या कहेंगे, पहला टेस्ट मैच का पहला दिन अख्तिताम पजीर हुआ, हर कोई जो है विकेट की पर तनकीद करते हुए नजर आया पिंडी स्टेडियम की, और पहले दिन हमने देखा कि कराची की विकेट भी बैट्समैनों के लिए साजगार नजर आई, क्या कहेंगे पहले दिन के खेल के अख्ताम पर? थोड़ी मुख्तलिफ विकेट है पहले टेस्ट की मुनासबत ना, क्योंकि थोड़े क्रैक्स भी नज़र आ रहे हैं विकेट में, ये जाके तीसरे चौथे दिन विकेट टर्न लेगी। शुरू में तो दो तीन दिन तो बैटिंग रहेगी, अच्छा स्कोर बनता है इस पर, तो मैच भी आपने देखा हमने भी देखा, विकेट में ऐसा कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई। शुरू में नया गेंद तो वैसे ही मूवमेंट होती है ना, और ऑस्ट्रेलिया वाले बड़ा साउंड तरीके से खेल रहे हैं, तकरीबन 3-3.5 रन की एवरेज से खेल रहे, बड़ा अच्छा खेल है, उनका स्टार्ट भी अच्छा रहा। अच्छा स्टार्ट भी अच्छा रहा, तो समझते हैं कि पिंडी की विकेट और कराची की विकेट में फ़र्क कैसा देख रहे हैं आप? बस थोड़ा बहुत फ़र्क है, क्योंकि दोनों टीमें प्रेशर में ही हैं। यहाँ पाकिस्तान सोचती हम ना हार जाएं, उधर ऑस्ट्रेलिया सोचती हम ना हार जाएं, वो दोनों उस तरह से कोई पॉजिटिव क्रिकेट नहीं हो रही है, नेगेटिव क्रिकेट है, जिस तरह से पहले टेस्ट में हुई इस तरह की हो रही है, लगता नहीं है रिजल्ट आने का इसमें भी। अच्छा लगता नहीं है रिजल्ट आने का, जाफर हुसैन साहब क्या समझते हैं पहले टेस्ट का पहला दिन, दूसरे टेस्ट का पहला दिन अख्ताम पजीर हुआ, तो समझते हैं कि आज बिहेवियर थोड़ा सा जो है पिंडी की विकेट के मुकाबले में कराची की विकेट तब्दील थोड़ी सी नज़र आई? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शहजादे मोइन आपका और वेनस टीवी का। सबसे पहले बात तो यह है कि बड़ा अच्छा फैसला किया ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करना, क्योंकि जो रावलपिंडी की पिच को देखकर उनका अंदाज़ा यही था कि इस मरतबा हम बैटिंग पे ही जाएंगे अगर टॉस जीतते हैं। एक मैकमिलियन जो ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट आए हुए हैं वहाँ से, उनसे अभी बात हो रही थी हमारी, तो उनका यही कहना था कि भाई ये जो टेस्ट विकेट जो बनाई गई है ख़ासतौर पे वहाँ पे पिंडी की और कराची के टेस्ट विकेट में जो है ना, वो थोड़ी सी तीसरे दिन या चौथे दिन जो है ना वो फटने के चांसेस हैं, यानी कि स्पिनर्स को ज़्यादा मदद देगी और बॉल घूमना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा वेदर का भी फ़र्क है पिंडी और कराची का जाफर साहब? ऑब्वियसली वेदर का भी फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब मालूम है कि ड्राई होता है, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होती है। विकेट के हवाले से तो हाजी साहब और जमील भाई ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हम देख रहे होते हैं उसमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि हमें गर्मी की वजह से, अगर आपने देखा हो कि अब तक आज के पूरे दिन में जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो भी बैटिंग की है उसमें रन्स को बड़ा तेज़ी से रफ्तार बढ़ाई है, यानी कि पहली इनिंग्स जो है ना उसमें जितना स्कोर कर सकें उतना ही फायदा है, क्योंकि आखिरी दूसरी इनिंग्स में जो है ना कोई इतना बड़े चांसेस नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बॉल घूमेगी इधर उधर होगी। ये थोड़ा सा इस नोयत के तहत जो है ना ऑस्ट्रेलियन टीम मेरे ख्याल में गई है, क्योंकि वो लोग एक एक चीज़ को देखते हैं, मौसम को देखते हैं, वो लोग कंडीशंस को देखते हैं, वो लोग इन्वायरमेंट को देख के हर चीज़ का जाविया निकाल के उसके बाद वो लोग जो है ना ग्राउंड में उतरते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जिस रफ्तार से बैटिंग चल रही है, क्योंकि जो भी आ रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि रन ना रुकें। जमील साहब क्या कहेंगे, वार्नर आउट हो गए लेकिन जिस तरह से उन्होंने इनिंग का आगाज किया था, समझते थे कि आज अगर वो विकेट पर ठहरे रहते तो बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलियन जो है पहली इनिंग में करने के लिए सलाहियत रखता है? यकीनन जब तक वो खेल रहे थे उस वक्त तक जो है ना 91 रन थे 20 ओवर में, तो 91 रन 20 ओवर में 4.5 रन का अगर एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, देखिए इनका मिजाज ऐसा ही है, ये इसी अंदाज में खेलते हैं क्रिकेट थ्रू आउट। तो अब वो बहुत अच्छी गेंद जो है ना सीम हुई और फहीम अशरफ की, उस पर वो आउट हो गए, और बदनसीबी ये कि जो उनके जो बड़े इस वक्त इन फॉर्म बैट्समैन है क्या कहते हैं मानस लबिशन, वो भी जो है ना रन आउट हो गए बगैर कोई 9 गेंदें उन्होंने खेल ली थी और कोई रन उनसे नहीं बना था, शायद वो दबाव था क्या था कि वो बहुत रिस्की रन, मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट में इसको जो ना खुदकुशी कहते हैं जिस अंदाज में वो रन आउट हुए, तो वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत पक्का एक रन के लिए विकेट जो है ना नहीं दी जाती, बहरहाल हो गया ये तो खेल का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद जब वार्नर आए खेलने और उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी फिर वो एक लंबी पार्टनरशिप, गरज ये कि आज का जो दिन था मैं ये समझता हूँ कि ये ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन है उनके नाम रहा, और
एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका जो बिहेवियर है अभी आपको ये जैसी नजर आ रही है, ये बाद में जाके चेंज होगी। और एक चीज जहन में रखनी चाहिए वो ये कि चौथी इनिंग पाकिस्तान को खेलनी है, तो अगर अगर 250 या 270 रन भी अगर अच्छा जमील साहब आपने जिस तरह कहा कि चौथी इनिंग पाकिस्तान को खेलनी है, तो समझते हैं कि आज टॉस ने बहुत अहम किरदार अदा किया, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर जो बैटिंग का फैसला किया। जी अगर पाकिस्तान टॉस जीतता तो वो भी जो ना बैटिंग ही करता, क्योंकि जिस तरह की ये क्रैक्स इसमें जो नजर आ रहे हैं, देखिए जिस तरह की गर्मी पड़ रही है तो ये इन्होंने वो ना, फिर यहाँ पर एक हमारे यहाँ ये होता है कि टी के बाद जो है ना रिवर्स स्विंग भी होता है, क्योंकि समंदरी हवाएं चलती हैं जो कि फास्ट बॉलर को जो है ना सपोर्ट करती हैं, गेंद जब पुराना हो जाता है तो फिर वो रिवर्स स्विंग भी होता है। तो अब देखना यह है कि आगे चलकर जो दूसरा तीसरा या चौथा दिन आएगा उसमें ये जो मैच है ना, ये जो है ना मुझे लगता है कि आगे जाके मुझे लगता है कि शायद इस मैच का जो है ना रिजल्ट आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हाजी साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तानी टीम में आज दो तब्दीलियां की गई हैं, आज हसन अली खेल रहे हैं, फहीम अशरफ खेल रहे हैं, इफ्तिखार को ड्रॉप किया गया है, तो समझते हैं कि ये जो आज चेंजिंग की गई है पाकिस्तानी में मुनासिब समझते हैं आपने ये चेंजिंग? नहीं, ये बड़ी अच्छी चेंजेस हैं, क्योंकि इफ्तिखार की तो वैसे भी टेस्ट में जगह नहीं बनती है, क्योंकि फहीम अशरफ ऑलराउंडर है, एक पेसर हसन अली है, तीन पेसर और दो स्पिनर, आपको अगर सातवें बैट्समैन पे जाना है तो इसका मतलब आपको रिजल्ट पे जाना ही नहीं है, आप जा रहे हो नेगेटिव क्रिकेट पे जा रहे हो कि जहाँ सात बैट्समैन दुनिया। तो हाजी साहब आप समझ रहे हैं कि दूसरा टेस्ट मैच भी ड्रॉ की सीधे पाकिस्तान की जो तो पाकिस्तान थोड़े घबरा जाते हैं ना बड़ी टीमों से, हालांकि घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास अच्छे स्पिनर है, आप स्पोर्टिंग विकेटें बनाते हैं ना, आप पूरी दुनिया में देख लें, ये तो हम लोग ऐसा लग रहा है पुरानी क्रिकेट में आ गए ना, आप 50 टेस्ट मैच उठाओ इसमें से 45, 46, 47 के रिजल्ट आते हैं, और हमारे यहाँ रिजल्ट नहीं आते, हम छोटी टीमों के सामने रिजल्ट आ जाते हैं, आप देखो जिम्बाब्वे आएगी बांग्लादेश आएगी तो हम लोग आराम से जीत जाते हैं, तो ऐसी विकेटें बनाओ ना जो जिम्बाब्वे के सामने आपने बनाई थी, तो थोड़ा मज़ा भी आया ना क्रिकेट, पब्लिक है ना हार जीत से नहीं डरती है, पब्लिक अच्छी क्रिकेट देखना चाहती है, आप देख रहे हैं इस तरह की विकेटों पर ना तमाशा ही जाएंगे ना टी वी पर कोई मैच देखेगा, ये तो बोर क्रिकेट को देख पसंद ही नहीं करता है। बिल्कुल बोर क्रिकेट को पसंद करने देते नहीं, दिखाई नहीं देते। जाफर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह तब्दीली की बात की, आज ऑस्ट्रेलिया ने जो है डेब्यू कराया स्पिनर्स मिचल्स को, तो समझते हैं कि पाकिस्तान को भी जो है साजिद खान की जगह जो है जाहिद महमूद को लेग स्पिनर, जीनियर लेग स्पिनर हैं, उसे इस टीम में शामिल करना चाहिए था? फिर दोनों लेग स्पिनर ही हो जाते ना, नुमान अली भी जाहिद महमूद भी, तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर का तो बड़ा रोल होता है खासतौर पर, और आपको पता है कि कोच जो हैं वो भी सकलन मुश्ताक भी, उन्होंने परसों बयान दिया है कि हम जो है स्पिनर से जो है काबू करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, तो यकीनन जिस तरह माहिरीन का भी कहना है कि तीसरे चौथे पांचवें दिन जो है स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी विकेट, तो उम्मीद है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स इस पर अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। ओबियसली करनी भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा चांस है, इतनी बड़ी विकेट आपको मिली हुई है, इतना इन्वायरमेंट मिला हुआ है आपका, अपना होम ग्राउंड है, होम कंडीशन है, उस पर अगर नहीं करेंगे तो फिर तो अफसोस होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछला टेस्ट में अफसोस ही रहा और नहीं कर सके। हाँ, ये थोड़ा ज़रूर था कि जो साउथ अफ्रीकन टीम आई थी इससे पहले जो यहाँ पे मैच वगैरह खेल के गई है, उसमें अगर उस तरह की विकेट बनती तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था। अभी क्योंकि अभी पहला दिन है आज का, तो इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, हो सकते आगे जाके चेंजेस हो जाएं, लेकिन जो तब्दीली की गई है वो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी तब्दीली की है बजाय के पाकिस्तान ने फहीम अशरफ को खिलाया, नो डाउट बहुत अच्छा किया, उसकी जगह बनती भी थी, उसको खिलाना भी चाहिए, विकेट भी उसने हासिल की हैं, तो होना चाहिए था, जाहिद महमूद को भी होना चाहिए था, अगर वो चेंज करते किसकी जगह लाते, अब सवाल ये था। साजिद खान हमारे पास थे तो हम समझते हैं, नुमान ने पिछले पिंडी के विकेट पर जो है 6 विकेट हासिल की थी, तो साजिद खान की जगह जाहिद महमूद को चांस दे देते। लेकिन साजिद खान जो है ना वो टर्निंग पॉइंट पे होता है, अब देखें 10 ओवर बाद जो है ना वो साजिद खान को ला के खड़ा कर दिया उन्होंने, क्या वजह थी, अटैकिंग, बेसिकली अटैक करके आउट करना चाह रहे थे, और ये अच्छी अप्रोच थी कप्तान की, लेकिन यहाँ पे अगर जाहिद महमूद होता तो मेरे ख्याल में उस तरह नहीं कर पाता जिस तरह वो साजिद खान ने किया, तो जाहिद महमूद और नुमान अली में बड़ा फ़र्क है मेरे ख्याल में। जमील भाई इस पे ज़्यादा अच्छा तबसरा कर सकेंगे क्योंकि टीम और खिलाड़ियों के साथ रहते हैं जमील भाई, तो उसमें ज़्यादा पता चलता है, क्यों जमील भाई? जमील भाई क्या कहेंगे, समझते थे कि साजिद खान की जगह जो है जाहिद महमूद को आज के मैच में खिलाया जाता? देखिए असल में जो कम्बिनेशन इनका बना हुआ है ना बांग्लादेश के अंदर भी जो खेलते हुए चले आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो अब अचानक जो है ना फिर इन्होंने जो देखा है ना, इन्होंने ये देखा कि इनके पास 3 से 4 जो है ना लेफ्ट हैंड जो है ना बैट्समैन है, तो इस वजह भी जो है ना ये भी एक बुनियादी वजह बनी है कि मतलब उनको हाँ चांद। देखिए इस टेस्ट के अंदर जो बुनियादी बात है ना वो ये है
कि कौन सी टीम जो है ना लीड लेती है। देखिए इस 70-75 रन की लीड भी बहुत लीड होगी, क्योंकि आगे जाके जो प्रॉब्लम आनी है ना इस विकेट को देखते हुए, तो असल जो है ना पहली इनिंग वो बड़ी अहम होगी इस टेस्ट मैच के अंदर। पहली इनिंग में जो बर्तरी ले लेगा उसकी गिरफ्त जो है ना इस टेस्ट के ऊपर मजबूत नजर। पहले दिन तो ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन जो बल्लेबाज हैं वो हावी दिखाई देते हैं पाकिस्तानी बैट्समैन बॉलर्स पर। देखिए वो गए हैं पूरी प्लानिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया, वो खेलते इसी तरह है। अगर वो 90 ओवर खेलेंगे ना, अभी भी वो 3.23 के एवरेज से जो है ना वो उन्होंने शुरू में 4.5 फिर 3.5 का एवरेज, तो अगर 3.5 का एवरेज से भी मतलब ये कि ये अपनी इनिंग खत्म करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि मैं समझता हूँ कि अगर ये उन्होंने 4-450 रन के करीब कर दिए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत, इसलिए कि उन्होंने जो नया लड़का जो मिचेल स्विप्सन को जो है ना वो जो टेस्ट डेब्यू कराया, तो अब जाहिर है कि ऑस्ट्रेलियन टीम में जो है ना देखें जो प्लेयर आता है ना वो प्लेयर अच्छा ही होता है वो। अब जाहिर है यहाँ पर ये अलग बात है कि पाकिस्तानी जो और इंडियन जो है ना स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, पाकिस्तान की होम का कंडीशन है, यहाँ पर वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल है, पहली इनिंग इस टेस्ट मैच में बड़ी अहमियत की हामिल दिखाई देती है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगु को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी खासकर पिचेस के हवाले से और उसके साथ साथ पहले इनिंग के हवाले से, जो टीम पहले इनिंग में लीड लेगी यकीनन इसमें बड़ी कारामद होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि तीसरे चौथे दिन और पांचवें दिन जो है विकेट फटने के बाइस जो है स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती दिखाई देगी विकेट। तो क्या कहेंगे आजी साहब विकेट जिस तरह तीसरे चौथे दिन की अब थोड़ी सी बात कर लें, अगर क्योंकि हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा जो कारामद हमारे स्पिनर्स हैं, हमारे डोमेस्टिक में बड़े अच्छी बॉल करते नजर आए नुमान अली साजिद खान, तो समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को काबू कर लेंगे ये? नहीं, काबू तो खैर अगर पता चलेगा तीसरे चौथे दिन जाके ना कि ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में कितना स्कोर करती है पाकिस्तान, तीन दिन तो आपको पता लगेगा नहीं कि टेस्ट मैच हो रहा है, चौथे पांचवें दिन आपको लगेगा कि हाँ विकेट ने काम दिखाया है अपना ना। उसमें भी जिस टीम ने, जमील भाई ने सही बोला, जिस जो टीम लीड लेगी ना वो लीड वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले इनिंग में लीड। जवाब क्या कहेंगे जिस तरह हाजी साहब कह रहे थे, जमील साहब कह रहे थे पहले इनिंग की जो लीड है बड़ी अहमियत के हामिल होगी इस टेस्ट मैच में, तो समझते हैं कि चौथी इनिंग पाकिस्तान ने खेल ली है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि चौथी इनिंग्स खेल ली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तीसरे चौथे दिन मैच ख़त्म हो जाएगा जो कि यहाँ की रवायत रही है अक्सर, मेरे ख्याल में जमील भाई को मालूम होगा, लेकिन लग रहा ऐसा ही है क्योंकि जिस रफ्तार से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है। माजी की बात की, माजी में हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 5 में हमने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है और 3 में नाकामी का सामना ड्रॉ खेले हैं इस विकेट पर, तो समझते हैं कि हमने तो ऑस्ट्रेलिया को अपनी विकेटों पर खासकर नेशनल स्टेडियम में तो मात दे दी है। बिल्कुल मात तो दे दी है, लेकिन ये हिस्ट्री हमेशा हिस्ट्री रह जाती है, याद रखिएगा जो करंट सिचुएशन होती है वो देखी जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसी है, पाकिस्तान की टीम कैसी है ये देखना पड़ेगा, और अब जो मुकाबले चल रहे हैं वो अलग थे, लेकिन अब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, इसमें आपको जीत जरूरी है और ड्रॉ वगैरह की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये एक चीज़ मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ पर जाना पड़ेगा पाकिस्तान को, और लाजमी सी बात है वो नज़र रखते होंगे, तो हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान टीम जो इस टाइम जिस सिचुएशन में खेल रही है उसको जीतना चाहिए, और इस कंडीशन में चाहे जैसे भी कंडीशन हो अपने मुताबिक बनाएं, क्योंकि होम सीरीज़ का फ़ायदा उसी वक्त हासिल होता है जब आप होम कंडीशन का फ़ायदा लें। तो आपने जिस तरह विकेटों पे इतनी तनकीद हुई, अभी भी आपने तीन दिन से देखा होगा कि जो भी जा रहा है प्लेयर वो सबसे पहले पिच पे जा रहा है, विकेट का मुआयना कर रहा है, तो इतनी बातें हो चली। अच्छा, लास्ट टाइम तक हमने देखा कि विकेट पर घास मौजूद थी, अचानक जो घास है वो भी हटा दी गई, तो इस पे क्या गई? नहीं शहजादे मोइन, मेरे ख्याल में ये गलत था, घास कभी भी नहीं थी, घास शुरू में होती है जब बनाई जाती है उसके बाद काट दी जाती है, उसके ऊपर घास डाली जाती है अलग से जो पानी की नमी को वहां तक जमीन तक ना पहुंचाए, उसलिए डाली जाती है वो, और उस घास को झाड़ू दिया जाता है जब वो हटाई जाती है, तो ऐसा लगता है दूर से जैसे कि उसको सफाई कर रहे हैं उसको हटा रहे हैं, काटने के लिए हमेशा मशीन का इस्तेमाल होता है, ये ज्यादा बेहतर जानते होंगे मेरे अशरफ साहब और
जमील भाई, जमील भाई क्या कहेंगे, जिस तरह जाफर साहब कह रहे थे घास की कटिंग के हवाले, तो अगर घास मौजूद होती तो फास्ट बॉलर सुप के टाइम में फास्ट बॉलर को बड़ी हेल्प करती हुई दिखाई दी, फिर ऑस्ट्रेलिया जो है टॉस जीतकर जो बैटिंग का फैसला किया था वो तब्दील होता हुआ नजर आ सकता था। बिल्कुल, अगर विकेट देखिए, विकेट जो घास होती है ना, एक तो विकेट पर लगी हुई होती है, वो घास जो है ना डिफरेंट होती है, वो तो फिर आप जितने भी काटने रहेगी जरूर घास, फिर रोज काटनी पड़ती है वो घास, मतलब जिस दिन मैच से पहले आपको वो रोज जो है ना घास काटनी, वो वाली नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो विकेट है जब बनाते हैं ना, तो वो जो उस पर घास डाल के बनाते हैं, बाद में जब वो होती है उसके बाद उसको झाड़ू दे के और फिर उसको रोल करके मार्किंग करके फिर वो तैयार करते हैं, फिर वो असल शक्ल में नजर आती है कि हमें ये विकेट है, इस पर ये पिच है और इस पर मैच होना है। तो वो तो अब जो उन्होंने उसको ढांप भी दिया तो लोग समझ रहे पता नहीं होगा, लेकिन मैं तो बहरहाल नहीं गया, लेकिन ये चूंकि स्टेडियम में थे, लेकिन इनको ये घास वाले विकेट यहां पर नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, होम एडवांटेज जो है ना पाकिस्तान को लेना था जो कि नहीं ले सका। अभी इन्होंने बात की ना, ये जो टेस्ट मैच, ये टेस्ट सीरीज है ना आईसीसी चैंपियनशिप की जो है ना, ये अब अगर जो भी टेस्ट जीतेंगे 20 पॉइंट इनको मिलने थे, लेकिन ये मुझे लगता है अब आप ये बताइए, ये टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके, जाहिर है कि होम एंड अवे जब सीरीज, तो इनको ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है ना, वहां जाके खेलेंगे तो ये जो पॉइंट है ये इनको मिल सकता, तो यहाँ पर जो एडवांटेज था वो मुझे नहीं लग रहा कि ये वो एडवांटेज जो है ना पिंडी के अंदर इन्होंने, मतलब देखिए मैं बताऊँ आपको, हार और जीत से बेनाज होकर खेलना चाहिए, ऐसी क्रिकेट खेलना चाहिए कि पब्लिक ग्राउंड में आए। मैंने बहुत अरसे के बाद ये देखा कि पिंडी के स्टेडियम में लोग आए थे और भरा हुआ था, क्यों था कि ऑस्ट्रेलिया अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ आया था। ये वही टीम है जो एशियस के अंदर 4-0 जो है इंग्लैंड को हरा कर आई है, तो ये कमोबेश वही टीम खेल रही थी, इनको एक्शन में देखना चाहते हैं फास्ट बॉलर को भी और बैट्समैनों को भी। लेकिन अगर इस तरह की डेड पिचेस बनाई जाएंगी तो मैं नहीं समझता कि तमाशाई जो है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये दूर होना शुरू होंगे ना, फिर आप कुछ भी, अब अगर हल्की कोई श्रीलंका आ जाए, जिम्बाब्वे आ जाए, बांग्लादेश, फिर आप अगर वो सोचे तमाशाई आएंगे, फिर आप भूल जाएंगे, तमाशाई नहीं आएंगे, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनानी पड़ेंगी तो जाके तमाशाई आएंगे, अदरवाइज तमाशाई जो है ना वो, और तमाशाई नहीं आएंगे तो आपके क्रिकेट का जो है ना कोई फायदा नहीं है। आप अभी भी देख ले ना, ये जो अभी हाजी साहब बात कर रहे थे सही कर रहे थे कि 90% मैं अभी बता रहा हूं, 90% 95% टेस्ट मैचेस का रिजल्ट आ रहा है, समझे ना। अभी इंडिया ने श्रीलंका को 3 दिन में हराया टेस्ट में, तो आप देखें ना, हम अगर इस तरह की जो है ना क्रिकेट खेलेंगे उतना डर के खेलेंगे, डर के नहीं, अगर आपको पॉइंट नहीं मिले उनको मिल जाएंगे, यार पब्लिक तो आएगी ना, पब्लिक को तो एंटरटेन होने दो। अच्छा, तमाशाइयों की बात कर रहे थे जाफर साहब, आज हमने देखा कि पहला टेस्ट मैच का पहला, दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन अख्तिताम पजीर हुआ है शाइकी ने, क्रिकेट कराची के बड़े दिलदादा हैं खासकर क्रिकेट के, हमने देखा कि बड़ी तादाद में नेशनल स्टेडियम कराची में लोग मौजूद थे पहले टेस्ट देखने की, दूसरे टेस्ट देखने के लिए, तो समझते हैं कि शाइकी का आना ग्राउंड के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। सुबह 9 बजे से लाइनें लगना शुरू हो गई थी और 12वीं आर्मी जो ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट करने के लिए आ रही है वो तक वहाँ पे मौजूद थे, तो एक बड़ा एक इन्वायरमेंट बना हुआ है नेशनल स्टेडियम में, और जितने लोग आ रहे हैं, और मैं अभी आपको बताऊँ कि अभी भी फ़ोन पे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि भाई कोई टिकट का कुछ हमारे लिए कर दें, कुछ मैचेस देखना है, कुछ ऐसा कोई माहौल बनाना है, हमें भी ज़रा जाके मैचेस देखना है। तो क्राउड का जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा है इस मैच को देखने के लिए, और क्यों ना हो, क्योंकि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने कदम रखा है पाकिस्तान में, और ये ऐसी टीम है जिसको देखने के लिए हर कोई आना चाहता है ग्राउंड में मैचेस देखने, क्योंकि एक प्रोफेशनल टीम के साथ, एक फुल स्ट्रेंथ के साथ लोग जाके देखना चाहते हैं कि एक फुल स्ट्रेंथ की टीम हाई वोल्टेज मैच होगा। जब हाई वोल्टेज मैचेस नहीं होंगे, हाई वोल्टेज मैचेस की बात कर रहे हैं, वो रिजल्ट जब सामने आएंगे तो हाई वोल्टेज का फायदा होगा, शायकी ने क्रिकेट इसका फायदा उठाएंगे और इंजॉय करेंगे मैच को। तो ऐसे अगर जिस तरह की विकेट पर था कि मुर्दार विकेट बनाई गई थी, सिर्फ बेस्ट में बैटर्स उस पर रन कर रहे थे, अगर ऐसी विकेटें कराची की हुई तो कौन आएगा ये मैच देखने के लिए, क्योंकि अभी तो सैटरडे और संडे है, 2 दिन छुट्टियां होती हैं कराची के अंदर, तो समझते हैं इसमें तो शायकी ने क्रिकेट आ जाएंगे, लेकिन फिर मंडे को जब तीसरा दिन है तो वहां पर ऑफिस वर्क होता है, तो समझते हैं 2 दिन तो क्राउड रहेगा, लेकिन तीसरे दिन जो है प्रॉब्लम आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के जो क्राउड है वो बड़े पैशनेट हैं, वो लोग देखना चाहते हैं क्रिकेट, देखना चाहते हैं क्रिकेट को होना, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे दरवाजे इतने खुले हैं जब मेन टीमें आना शुरू हुई हैं। अब आपने लास्ट इसी साल देख लिया होगा फरवरी मार्च में, जब लास्ट ईयर आपने देख लिया होगा जब इंग्लैंड ने और न्यूजीलैंड ने मना किया था, कितने अफसरदा थे पाकिस्तानी कौम, तो इसी वजह से लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छी क्रिकेट हो, देखने को मिले, जिस तरह आज की बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया ने और जितने वहाँ पे क्राउड मौजूद थे उन्होंने बड़ा जोश जज्बा, सब ने जो है क्लैपिंग किए, सब ने जो है ना क्राउड ने जो है ना अप्रिशिएट किया कि भाई उस्मान ख्वाजा की बैटिंग, स्मिथ की बैटिंग की तारीफ की है सब ने।
बिल्कुल तारीफ करते नजर आए हैं, ऑस्ट्रेलियन को भी सपोर्ट कर रहे हैं शाइकी ने क्रिकेट कराची की। हाजी साहब ये बड़ी अच्छी चीज है कि कराची वाले की क्वालिटी है, कराची वाले सामने वाली टीम को भी परफॉर्मेंस पे दाद देते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम ना हो, इंडिया की टीम क्यों ना आए, वो हर प्लेयर को दाद देते हैं, जो अच्छा खेल रहा है उसको अप्रिशिएट करते हैं ना, ये अच्छी बात है एक तरह से। कराची वाले तो आपको पता ही है ये कितने दिल वाले लोग हैं, माशाल्लाह सपोर्ट करने वाले हैं, स्टेडियम माशाल्लाह भरा रहेगा अगर अच्छी विकेटें बनाए, रिजल्ट विकेटें बनाए ना, रिजल्ट का फायदा है, रिजल्ट का फायदा है, लेकिन अच्छी विकेटें बनेंगी तो जो मैचेस के नतीजे आएंगे, जमील साहब मैचेस के नतीजे तो आएंगे लेकिन हम इस मैच में देखते हैं। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। जी जी जाफर साहब, अगर जमील भाई से मैं सवाल करूं तो कोई हर्ज तो बिल्कुल कर सकते हैं जमील भाई से, एज अ सहाफी थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल हमारे अंदर थोड़ा सा वो होता है। जमील भाई 98 में जब ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी आप उसके लाइजिंग ऑफिसर भी थे, उस टाइम का जरा माहौल बताएं, उस टाइम के क्रिकेट बताएं क्या हुआ करती थी आप? यार वो तो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट थी और मैं समझता हूँ जैसा डिसिप्लिन मैंने ऑस्ट्रेलियन टीम का देखा है, मैं दुनिया की 6 टीमों के साथ रहा हूँ रब्ता, मैंने किसी का भी ना ऐसा डिसिप्लिन नहीं देखा। जब यहाँ टीम आई थी 98 के अंदर तो मुझे याद है कि स्टीव बर्नार्ड जो है ना उनके मैनेजर थे और टेलर उनके जो है ना कप्तान थे और जेफ मार्श उनके कोच थे। तो ऐसा हुआ कि जब इफ्तिताही दिन था तो इन्होंने जो है ना पीसीबी ने सलीम ज़िया साहब को यहाँ पर जो है ना बुलाया था चीफ गेस्ट, वो उनके शेड्यूल में नहीं था ऑस्ट्रेलियन के, तो ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो मतलब ड्रेसिंग रूम में से नीचे आने को तैयार नहीं था। फिर पीसीबी ने बड़ी उनसे जाके जो है ना मतलब थोड़ी उनसे बातचीत की तो उसके बाद वो एग्री हुए और 2-3 मिनट के लिए नीचे आए और उसके बाद शेक हैंड हुआ और वो वापस चले गए। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ पर जो उन्होंने कहा मैं बता दूं कि जब 5 बजे 90 ओवर की जब पूरी इनिंग होती थी या 83 ओवर जो भी होते थे उसके बाद जब 98 के अंदर जब ऑस्ट्रेलियन टीम और ये पाकिस्तान टीम आती थी तो ऑस्ट्रेलियन जो है 5 बजे के बाद 1 घंटे जो है वो रग्बी खेलते थे उसके बाद, और हमारे खिलाड़ियों की हालत जो है ना वो ऐसी होती थी कि वो ऊपर सीढ़ी में चढ़ते भी बड़ा वो होता था, वो उसके बाद वो आके 1 घंटे रग्बी खेलते थे फिर जाते थे होटल वो, तो ये चीजें। और फिर उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, वो सीवीयू पे भी गए और वहां पर उन्होंने जाके जो है ना वो अगर आप उसकी वो निकालेंगे ना पिक्चर्स निकालेंगे देखेंगे आप, क्योंकि उस वक्त तो ये चक्कर नहीं था ना जो आजकल जो है सिक्योरिटी का ये, तो वो उन्होंने बहुत एंजॉय किया था बिल्कुल। जब माजी में जो है ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी 24 साल पहले तो यहाँ पर जो है काफी एंजॉय करते दिखाई दिए थे, मैचेस के बाद भी वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो है एंजॉय करते थे, रग्बी खेलते थे, जबकि जिस तरह जमील साहब ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उस वक्त भी थकावट का शिकार दिखाई देते थे जबकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आते थे उस टाइम पर भी। तो इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी माजी में जब ऑस्ट्रेलियन टीम ने 24 साल पहले पाकिस्तान का दौरा किया था तो यहाँ काफ़ी एंजॉय करते नजर आ रहे थे मैचेस के बाद भी, तो थोड़ी सी यादें माजी की भी कर लेते हैं। हाजी साहब क्या कहेंगे माजी की यादें, आप भी काफ़ी ऑर्गेनाइजर रहे, क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते रहे, माजी में जब ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी आप भी थे ग्राउंड पर मौजूद, तो क्या कहेंगे उस हवाले से? यार ऑस्ट्रेलिया की टीम का डिसिप्लिन की बात करें जमील भाई, तो ऐसा डिसिप्लिन तो किसी टीम में भी नहीं है ना, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। हम लोग भी वेटरन्स क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग भी गए थे इंग्लैंड ना, तो यही करते हैं कि वो हम जब जाते हैं होटल से ग्राउंड के अंदर तो हम लोग बैठे होते हैं ड्रेसिंग रूम में, वो सामने टीम वार्म अप करती है आधा पौना घंटा, 50 ओवर का मैच खेलने के बाद भी आधा पौना घंटा वो ट्रेनिंग करते थे और हमारे लोग जल्दी बैग उठाएँ होटल जाएँ उस सोएँ, इतना फ़र्क है। यानी कि जिसकी एज 50 से भी ज़्यादा है ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये तो यंग है, आप देखो इनकी रूटीन वही चल रही है आज तक, 50 वाले हों चाहे 60 वाले हों उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। अब ये ब्रेटली का मैं आपको बताऊं, ब्रेटली कम से कम 4 से 5 घंटे स्विमिंग करता था, और स्विमिंग ऐसी चीज़ है तेज़ बोलरों को क्या जो प्लेयर है ना स्पोर्ट्समैन उसको तो स्विमिंग बेस्ट है। आजकल के लड़के सिर्फ जिम में जाते हैं ना, जिम से इतना कोई फ़ायदा नहीं है, जिम में कि आपको बॉडी बनानी है, बॉडी का क्या फ़ायदा है, आप जिम में जाओ बॉडी पावर बनाओ। सर खवातीन के लिए बनाते हैं दिखाने के लिए बॉडी, मैं आपको बताऊं बॉडी पावर अलग चीज है, आप बॉडी पावर बनाओ जो क्रिकेट में काम आता है, हर चीज में बॉडी पावर होता है, जरूरी नहीं आप अपनी बॉडी बनाओ दिखाने के लिए, बेकार है। अगर बॉडी बनानी है तो तेज बोलो के लिए बॉडी बिल्कुल बेकार है, आपका शोल्डर ही नहीं घूमेगा उससे,
आपका पावर बनना चाहिए पावर। आप लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो बिल्कुल बेकार है। आप रनिंग करें, स्टेमिना बनाए, जितना स्टेमिना है ना आपके पास, ये आपको काम आएगा, स्टेमिना काम आएगा। जाफर सब क्या कहेंगे फास्ट बॉलर्स के लिए स्टेमिना कितनी अहमियत का हामिल है? हमने देखा कि पिंडी की विकेट्स पर जो है फास्ट बॉलर्स जो है जान मारते दिखाई दिए, तो इस पर नुकसान हो सकता है बॉलर्स को? नहीं, फिटनेस की अगर बात हो रही है तो जो मैंने अपने 20 साल कैरियर में जो मैंने फील्ड में जितनी रिपोर्टिंग की है, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में जा चुका हूँ पाकिस्तान टीम को रिपोर्टिंग करने के लिए, तो मैंने देखा शुएब अख्तर की, मैं थोड़ी सी यहाँ पे आप फास्ट बॉलिंग की बात करें उनकी बात करूँगा, कि इंग्लैंड के ख़ास तौर पे जब वनडेज मैचेस चल रहे थे तो उसमें वनडेज मैचेस के बाद T20 मैचेस के बाद शुएब अख्तर और शाहिद आफरीदी को उनको मैंने खुद देखा कि ये मैच के बाद भी ग्राउंड के कम अज़ कम 3-4 चक्कर लाजमी लगाते थे। अब ये फिटनेस का एक, अपने आप को फिट रखना ही एक बड़ी बात होती है, और ये प्लेयर्स जानते थे कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने प्रोफेशनल क्रिकेट खेल के जो है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने अपने आप को भी बिल्कुल इसी तरह फिट रखना है। तो आज भी देख लें आप शाहिद आफरीदी को देख लें, शुएब अख्तर को देख लें, आज भी ये फिट हैं और वेटरन्स क्रिकेट भी खेलते हैं, तो आपके सामने अभी शाहिद भाई वो भी खेल चुके हैं PSL भी। तो अपने फिटनेस को बहाल रखने के लिए आपको बहुत मेहनत तगोदो करनी पड़ती है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है फिटनेस को बरकरार रखने के। जमील साहब आपने अभी तस्करा छेड़ दिया है माजी का, तो यकीनन माजी में आपने फिटनेस लेवल ब्रैडली का भी देखा, तो समझते हैं कि ब्रैडली और शुएब अख्तर जो पाकिस्तान, जाफर साहब कह रहे थे कि बड़ा बेहतरीन अंदाज में जो है बॉल्स करने के बाद भी वो 3-4 चक्कर 5 चक्कर जो ग्राउंड्स के लगाया करते थे मैच के बाद भी, तो समझते हैं कि आजकल के बॉलर्स इस पे तवज्जो दे रहे हैं फिटनेस पे ऐसी? मेरे ख्याल में बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसलिए कि इसका सबूत ये है कि आज दोनों जो जिनके नाम लिए हैं शाहिद आफरीदी और शुएब अख्तर, ये दोनों आज भी सुपर फिट हैं। आप देख लें, अगर देखें, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है क्रिकेट की, उसके अंदर इमरान खान जैसा जो है ना, मतलब ट्रेनिंग करने वाला फास्ट बॉलर नहीं आया। मतलब जो सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा है ये, कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतनी मेहनत करते हुए किसी फास्ट बॉलर को नहीं देखा। सर, जितने प्राइम मिनिस्टर साहब तो अब भी जो है सुबह के औकात में जाके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अब तो वो अलग नहीं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस जमाने में वो खेला करते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी जो है ना, देखें हमारे जो ये, अब आप ये मुझे बताएं, आप जो है हारिस रऊफ को आप टेस्ट टीम के अंदर ले आए, कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले उन्होंने, आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं, आप अभी आप ये दो खिलाड़ी आपके जो ना अनफिट हुए थे ना, फहीम अशरफ और ये लेके आपके, फहीम अशरफ और हसन अली, किसको लेकर आया, वसीम जूनियर को, जिस जो चार देखें, जिस हमेशा वो प्लेयर जो ना कामयाब होगा और लंबी जो ना मतलब बॉलिंग करेगा, जो फिटनेस की बात कर रहे हैं, जो 2-3, तो आप समझते हैं कि हारिस रऊफ को इसी बेस पे नहीं खिलाया पहला टेस्ट के उसके फिटनेस के मसाइल, अगर वो लंबी बॉलिंग कर लेते हमारे समझने से कुछ नहीं होगा, उसको खिलाएंगे ये, आप देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखें जो भी प्लेयर सिस्टम से आया है ना, देखें ये जो नौमान लड़का है ना, ये परफॉर्म कर आया है डोमेस्टिक में, सिस्टम से आया है। साजिद जो है ना, ये सिस्टम से आया है, आपके अजहर अली सिस्टम से आया है, आसिफ शफीक सिस्टम से, सरफराज में जो लड़के सिस्टम से आए ना, वो लंबा खेलते हैं। फास्ट बॉलर की आप बात करते हैं ना, यही जो शाहिन शाह आफरीदी है, ये सिस्टम से आया है, जो सिस्टम से आएगा वो लंबा खेलेगा, वो अपना दुनिया में नाम करेगा। अगर आपने ला के खिलाना ही है और इस तरह खिला, फिर क्या होता है, वो गुमनामी के चले जाते हैं। आपने 4 ओवर की बुनियाद पर अरशद इकबाल को लेकर आए थे ना, आप एक मैच या 2 मैच खिला के आपने वो कर दिया वसीम जूनियर आज, तो आप जो है ना जल्दबाजी ना करें, बल्कि 2-3 साल जो है ना उसको डोमेस्टिक खेलने दें भरपूर अंदाज में, ताकि उसको पता चले वहां 10-10 15 15 ओवर इस गर्मी के अंदर करे, तो उसको उसका जो है ना मालूम है स्टेमिना का। तो फिटनेस के लिए जो है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि आप जिम में जाएं, पहलवानी का नहीं है, अगर वो तो सारे पहलवान जो है ना वो बैट्समैन होते, ये सही कह रहे हैं बिल्कुल हाजी साहब, कि आपको अपनी फिटनेस जो है ना, मतलब अब आपको अपना वो बढ़ाना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो अपनी आंखों से देखी ये बात बता रहा हूँ, कि मैं तो तकरीबन कोई 36 साल से हूँ ना क्रिकेट में, जो देखे हमारे यहाँ शुरू से यही है। अगर आप उठा के देख लेंगे ना, बहुत कम प्लेयर हैं जिनकी फिटनेस जो है ना, वो वरना वो इसी तरह अपनी कारकर्दगी पे खेलते रहे, इन जमान के मिसाल आपके सामने खेलते रहे। तो क्या कहेंगे जाफर साहब, लास्ट ईयर की अगर हम बात कर लें, हसन अली को टीम से ड्रॉप किया गया था, उसने पूरा डोमेस्टिक सीजन खेला, बेस्ट परफॉर्मर रहा डोमेस्टिक सीजन का, आप देखा होगा। इससे अच्छी कोई मिसाल, जो ये मिसाल दे रहे हैं, बहुत अच्छी मिसाल दे रहे हैं, सही कह रहे हैं बिल्कुल। इस तरह का अगर आप खिलवाएंगे, अगर ना खिलवाना चाहें तो एक अलग बात है। पूरा डोमेस्टिक खेल के कमबैक किया उसने,
मैं तो बोलता हूँ हसन अली टेस्ट टीम से ड्रॉप हो ही नहीं सकता, और हारिस रऊफ की टेस्ट टीम में माजत कोई जगह नहीं बनती। सिलेक्शन कमेटी ने फिर तरजीह क्यों दे दी हाजी साहब, ये तो बता। हमारी सिलेक्शन कमेटी का पता ही नहीं चलता कि क्या है, कब किसको खिलाना है, ये सही बोल रहे हैं। अच्छा फिटनेस की बात करें, थोड़ी सी शान मसूद के हवाले से भी बात कर लें, शान मसूद की फिटनेस सबसे अच्छी है इस टीम में। शान मसूद अच्छा अच्छा फिटनेस की अच्छी है, फवाद आलम की अच्छी है। अब जो परफॉर्मेंस असदुल्ला शफीक ने दे दी है तो वो अच्छा प्लेयर है। शान मसूद भी नो डाउट बड़ा अच्छा प्लेयर है। अब आप बताओ एक टीम में तीन ओपनर तो नहीं खेल सकते ना, अगर अल्लाह ना करे कोई फेल जाएगा इसके बाद ही चांस देंगे ना। मैं हारिस रऊफ के लिए बोलूंगा कि हारिस रऊफ को टेस्ट टीम में नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ 20 का बॉलर है, वो भी 40 रन देता है 4 ओवर में, फिर भी खेल रहा होता है, ये आप देखो। अगर ये कराची का प्लेयर होता 40 रन देता दूसरा मैच नहीं खिलाते। हाजी साहब पिछले अगर हम पिछले 4-5 साल या 6 साल की बात करें, मिसबाह उल हक के दौर में जितने डेब्यू डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के हुए हैं वो किसी के दौर में नहीं हुए। आप देख लें जितने नाम आए हैं सामने, और हसन अली भी उनमें से एक हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स में हारिस रऊफ की आप बात करें, हारिस सुहेल को भी हमने लिया था, बहुत ज़्यादा आजमाया, बहुत ज़्यादा उनको मौका दिया गया। एक तो उनका खौफ बहुत आता था, न्यूजीलैंड में जाके उनको होटल में डर लगना शुरू हो जाता था। तो जो बंदा दिल से डरता हो तो वो मैदान में कैसे आके आप खेल सकता है, लेकिन खेलता था, अच्छा खेलता था, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि जितने मौके उस टाइम मिले हैं खिलाड़ियों को, वो मौके अब भी मिल रहे हैं उसी तरह, वो सिलेक्शन की बात आ रही है। तो कहने का मकसद है कि खिलाड़ियों को बनाया नहीं है, खिलाड़ियों को बनाया नहीं। जमील साहब असद शफीक अभी पाकिस्तान कप चल रहा है वनडे, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अगर समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी थोड़ी सी नज़र करम उस पर भी करे और तीसरे टेस्ट मैच में जो है उसे रिजर्व प्लेयर या कौमी स्क्वाड में शामिल किया जाए, समझते हैं कि आपको कि तीसरे टेस्ट में असद शफीक को इफ्तिखार की जगह शामिल किया जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको शामिल किया जाएगा, इसलिए कि जो जो लड़के बेंच पर बैठे हुए हैं ना, देखें अभी तो सऊद शकील बैठे हुए हैं सबसे ज़्यादा जो डिजर्विंग मेरे हिसाब से, अगर खिलाना है सबसे पहले अगर किसी लड़के को खिलाना है ना तो वो बैठे हुए सऊद शकील, इफ्तिखार से पहले भी सऊद शकील को ही खिलाना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया। जो ये हारिस सुहेल की अभी बात कर रहे थे ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, हारिस सुहेल जो है ना वो चहीते होते हैं ना सिलेक्टरों के, वो चहीते थे, चहीते किस अंदाज में, वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते थे, उनका सिलेक्शन डायरेक्ट होता था टीम के अंदर, और डायरेक्ट आते थे, डायरेक्ट खेलते थे, डायरेक्ट अनफिट होते थे, डायरेक्ट जाते थे, मतलब ये उनका वो था। तो इस तरह का अगर वो अभी कहाँ है, वो अभी वो गायब है, तो हमारे यहाँ अब ये मैनेजमेंट चेंज होगी, दूसरी मैनेजमेंट आएगी, वो उनके कोई और चहीते होंगे, ये नहीं होना चाहिए। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में सुना कि सिलेक्शन पर ये हुआ गया ये खिलाड़ी इसके चांस था? बिल्कुल, सिलेक्शन पे कभी जो है कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जो प्लेयर्स उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते हैं उन्हें यकीनन चांस देना चाहिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी सिलेक्शन के हवाले से, इस पर थोड़ी सी बात हाजी साहब से भी कर लेते हैं। हाजी साहब क्या कहेंगे, सिलेक्शन का बड़ा मियार होता है, हम देखते हैं दीगर ममालिक के अंदर जो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं लड़के उन्हें चांस दिया जाता है फौरी तौर पर, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा मियार नहीं दिखाया देखा जाता है। जो लड़का अभी हमने देखा कि जो PSL के तर्ज पर जो इवेंट होते हैं उसमें जो लड़का परफॉर्म करता है उसे फौरी तौर पर जो है टीम में शामिल कर लिया जाता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो सिलसिला है वो पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी में चलता चला आ रहा है माजी से भी और हाल में भी है, तो समझते हैं इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए? इस चीज़ को ख़त्म ज़रूर होना चाहिए। आप देख लो जो लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देता है उसकी बेचारे की बारी नहीं आती। फवाद ने इतना स्ट्रगल किया, 11 साल कंटिन्यू परफॉर्मेंस देता रहा, हर सीज़न में 10,000 रन, 1100 रन, 1200 रन, बस वो मिसबाह की लाइकिंग में नहीं था। कोई बोलता था इसका स्टांस सही नहीं है, कोई बोलता था इसका एक्शन, सर बाजी में उसके लिए जो है कप्तान की भी राय थी कि इसे टीम में शामिल ना किया जाए, ना किया जाए, तो ये तो है ना। अब उसका करियर 10-11 साल जाया हो गए ना, इसके बाद इसने खेल के जवाब दिया। तो इस तरह से बहुत से प्लेयर हैं जिनको चांस ही नहीं मिलता, परफॉर्मेंस दे रहे उनको नहीं, कप्तान बोलता है ये मेरी लाइकिंग में ये खेलेगा। ऐसा फवाद आलम PSL खेल सकता है?
फवाद आलम खेल सर, फवाद आलम के हवाले से आप पे बात कर लें। एक वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर T20 स्टार्ट हुई थी, व्हाइट बॉल का सबसे बेस्ट प्लेयर फवाद आलम था, बेस्ट प्लेयर था, सारे अवार्ड ये फवाद आलम था। इसके बाद चांस नहीं मिला। ये क्या बोलते थे इनको कि फवाद में पावर नहीं, वो छक्का नहीं मार सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो छोटी उम्र से 10-11-12 साल से मेरा साथ ही था। और ये टेस्ट क्रिकेटर किस तरह बना मैं आपको बताऊं, इसको शौक था फील्डिंग का। हमारे कोई भी मैच हो, मुझे बोला आई साहब मुझे फील्डिंग करनी है। जिस बंदे को अगर फील्डिंग का शौक है ना तो वो क्रिकेटर पक्का है। आजकल आप देखो जितनी भी प्रैक्टिस होती है ना, फील्डिंग प्रैक्टिस ही नहीं होती। बैट्समैन है बैटिंग करता है, बॉलर है बॉलिंग करता है। कैच आप देखो पाकिस्तान की टीम के, पूरे पाकिस्तान की टीम के, खाली पाकिस्तान टीम के बाद में टोटल पाकिस्तानियों को कैच छोड़ देते हैं। आप इंग्लैंड की फील्डिंग देख लो, ऑस्ट्रेलिया की देख लो, न्यूजीलैंड की देख लो, साउथ अफ्रीका की, वो कैच ड्रॉप नहीं करता। हमारे यहाँ कैचिंग मुश्किल है, फील्डिंग हम लोगों से होती नहीं है। हमारे तेज़ बॉलर भले अच्छे होते हैं, फील्डिंग उनसे होती नहीं है। हारिस रऊफ उससे फील्डिंग होती नहीं है, तेज़ बॉलर है। तेज़ बॉलर वो धानी था, उससे उसको भी कैच करने नहीं आते थे, वो फील्डिंग में गिर जाते थे। वो लोग हमारे जो कमेंटर हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं पाकिस्तान की टीम का। बिल्कुल फील्डिंग का म्यार बेहतरीन होना चाहिए, समझते हैं जाफर साहब है। हमने फौरन से फील्डिंग कोच भी बुलवाया हुआ है, तो समझिए कितना अमल दखल होगा फौरन का हमारी फील्डिंग पर। इस वक्त दुनिया के सबसे अच्छे फील्डर थे साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स, उनको भी बुलाया था, लेकिन हमारी पाकिस्तान की फील्डिंग सही हो के ही नहीं दी। ये आज से नहीं, शुरू से मसला है, कोशिश नहीं करते। और असल में बात ही होती है फील्डिंग में जान मारनी होती है। बेसिकली एक दो बॉल पे तो जान मार लेता है खिलाड़ी, लेकिन मुसलसल जान मारना, मुसलसल गेंद के ऊपर लपकना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि थकावट के शिकार हो जाते हैं। हम थकावट के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, और तभी तो हमें इमरान खान कहते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं घबराना नहीं है। ऑस्ट्रेलियन टीम उस पर अमल करती है, घबराना नहीं है किसी भी कंडीशन में, चाहे पिंडी की कंडीशन हो चाहे कराची की कंडीशन हो, घबराती नहीं है। पाकिस्तानी घबरा जाते हैं, तो वो सही कहते हैं, हमारे पीएम बिल्कुल सही कहते हैं, घबराना नहीं, हम घबरा जाते हैं। तो ये एक मसला तो है ना भाई। बिल्कुल है, मसला तो है हमारे लिए। जमील साहब माजी की बात कर रहे थे फवाद आलम की फील्डिंग के हवाले से, कि जब वो टीम में आना चाह रहा था तो उस वक्त उसने सबसे पहली तरजीह फील्डिंग को दी, तो समझते हैं फील्डिंग का बहुत अहम रोल होता है क्रिकेट के अंदर। ये लड़का जो है, ये समझ लीजिए मैं 2003 का बताऊं आपको, 2003 के अंदर जो है ना, ये लड़का जब अलनूर जिमखाना में आया ना जोन, तो अलनूर जिमखाना में जब आया तो ये इसका जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो उस वक्त मैं सेक्रेटरी था, तो इन्होंने जो है ना मेरे पास भेजा जब इसको, तो मैंने देख पतला सा लड़का जो है ना, मैंने जब इसको, ये जोन 4 से आया था उस वक्त ना हमारे यहाँ जोन 2 के, तो इसको जो है ना मतलब इसका रजिस्ट्रेशन कराया बे फॉर्म के ऊपर। उसके बाद जो है ना उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, इनके जो क्लब के ओनर थे खुर्रम अशरफ साहब ने, कि यार इसको जो है ना आप जमला कप्तान बना दें। मैंने जब इसको, जब हमने अपनी ट्रेनिंग और ये और सब जो अपने प्रैक्टिस मैच ये, तो इस लड़के ये बिल्कुल गैर मामूली, इसको मैंने जो है ना पाया फील्डिंग में इसमें, और तो मैंने इसको कप्तान बना दिया। आप यकीन करें आसफाबाद ग्राउंड की टर्निंग विकेट के पिच के ऊपर इसने 100 किए, और वहां से मुझे, मैंने वहां, मैं पूरा मैच देखता हूँ बैठ के, मैंने वहां देख के देखा बैठ के, मैंने कहा यार ये लड़का जो है ना ये बहुत जबरदस्त, ये आगे जाएगा। और उसी साल इसने हमें चैंपियन बनवाया 2003 के अंदर दोनों को, उसके बाद से फिर ये खेलता, तो इसका इजहार वो कर चुके हैं। लेकिन मैं, क्योंकि मैंने इसका पूरा करियर देखा है, हम स्टेडियम के अंदर, हमारा ऑफिस था, हम बैठते थे, मैंने इसको देखा, आप यकीन करें नेशनल स्टेडियम के अंदर ये जो ट्रेनिंग, जब ये टीम से बाहर था, तो आप दुनिया के अंदर ये तारीख नहीं मिलेगी, इसने तारीख रकम की है। 11 साल किसी प्लेयर को आप बाहर कर, 3 साल अगर बाहर कर दो ना, तो गोलमोल हो जाता है वो, मतलब उसकी फिटनेस आपको वो चेंज नजर आएगा प्लेयर। और ये 11 साल अगर किसी प्लेयर को आप बाहर कर दो, तो यार आप अंदाजा करें कि वो आज भी मतलब जो ना सुपर फिट है। तो ये क्या है कि उसने इतनी मेहनत की है ना, और उसने मतलब बता दिया। और जो अभी भाई साहब कह रहे थे ना, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि यार आपको अगर जवाब देना है ना किसी को, नाकदीन को, तो आप बल्ले से जवाब दें, ग्राउंड में जाके जवाब दें। और यही कुछ इसने किया, आने के बाद 4 सेंचुरियां की हैं इसने, और कहां कहां किए हैं, मैं कहता हूं कि मतलब जो इसने कारकर्दगी दिखाई है, इसने जो इसके साथ ज्यादती हुई है, वो सब इसके मुजरिम है, कमाल सब है। लेकिन ये पैशन, ये खास तौर पर मैं थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ, फवाद आलम को जो पैशन है ये इनकी वालिद साहब की तरफ से आया, तारिक आलम जो है वो भी साबिक फैमिली का, इसकी पूरी फैमिली में क्रिकेट है। हाँ, फैमिली के क्रिकेट होने के नाते उनके अंदर जो पैशन पैदा किया, एक सब्र जो उनके अंदर था, इसमें कोई शक नहीं, बहुत तहमुल मिजाज और बहुत ही सब्र का उन्होंने जो है ना
दामन पकड़े रखा। लेकिन इनकी मैंने 2012 में, 13 में और 14 में जो बांग्लादेश में इन्होंने इनिंग्स खेली है, फवाद आलम ने खास तौर पे जो शाहिद अफरीदी की कप्तानी में जो एशिया कप हुआ था उसमें परफॉर्मेंस देख लें आप, वनडे में, T20 में देख लें, नो डाउट सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं कहूँगा कि शाहिद अफरीदी को भी जाता है, क्योंकि मैंने हर टूर पर देखा शाहिद अफरीदी के साथ फवाद आलम हुआ करते थे, तो और जब शाहिद बैटिंग कर रहे होते थे तो फवाद उनको बॉल फेंक रहा होता था, फेंके चला जा रहा है और उनको प्रैक्टिस करवाता था, इसी तरह शाहिद भी उनको फवाद को करवाते थे। लेकिन बात यह थी कि जब एक अच्छे प्लेयर के साथ एक जूनियर प्लेयर का जब साथ होता है तो कुछ ना कुछ बन के निकलता ही है, तो यही क्वालिटी फवाद के अंदर थी कि जब गैप आया 10 साल का और उसके बाद उन्हें चांस दिया गया तो उन्होंने लंबे रन कर दिए और इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मेन बैट्समैन कहलाते हैं मिडिल ऑर्डर पर, और उन्होंने रन के अंबार लगा के रख दिए हैं। तो जाफर साहब, बैट्समैन बैटर्स की तो बात हो गई, थोड़ी सी हम फास्ट बॉलिंग के हवाले से भी बात कर लें। शाहीन शाह, अफरीदी, हसन अली इस मैच में खेल रहे, हमारे पास जो है हाल में देख रहे हैं कोई ऐसा फास्ट बॉलर है जो टेस्ट मैच के अंदर 25 ओवर 30 ओवर कर सके, कोई ऐसा बॉलर नजर आ रहा है? देखिए पाकिस्तान में तो ये समझ लें कि पाकिस्तान जन्नत है, यहाँ पे जो है ना हर तरह के प्लेयर्स मिल जाते हैं, हर तरह के बॉलर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो अभी डोमेस्टिक सीजन का हाल है उसमें कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल ब्लाइंड है। अब समझते हैं कि सिर्फ पीएसएल की हद तक है, दैट्स इट। पीएसएल के लिए जो है ना वो फ्रेंचाइजीज मेहनत करती हैं, वो अपने प्लेयर बनाती हैं, खिलवाती हैं, तब भी वो सिर्फ और सिर्फ T20 प्लेयर। आप टेस्ट की बात, हाजी साहब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पीएसएल से आप प्लेयर निकालो ये बेवकूफी है, 20 के प्लेयर निकालने तो निकालो, हम टेस्ट के लिए हम पीएसएल से क्या ढूंढेंगे मुझे बता दो। टेस्ट में तो टेम्परामेंट चाहिए, पीएसएल भी जारी होता है, 10 लड़के आपके जो है नेट कर रहे होते हैं, ये हाल है हमारा टेस्ट क्रिकेट के मैच का। भाई आपने मोहम्मद हारिस को, उसने 3 इनिंग अच्छी खेल दी, आप उसको टेस्ट स्क्वाड में ले आए, कहां की बातें कर रहे हैं आप? यहां तो ऐसा कुछ हो रहा है, मोहम्मद हारिस जो है ना, देखिए अभी भाई साहब बात कर रहे हैं ना कि T20 के अगर परफॉर्म की तो T20 में लेकर आओ ना उसको, आप T20। अब धानी ने डोमेस्टिक यहां पर परफॉर्म किया था, फिर वो क्या कहते हैं उसने वहां खेला मुल्तान सुल्तान से, लास्ट सीजन में परफॉर्म किया, टीम में किस टीम में आया, टेस्ट टीम में परफॉर्म कर रहे हैं वो मुल्तान सुल्तान से, आप उसको टेस्ट टीम में ला रहे हो, खिला भी नहीं रहे उसको, जाहिर करने वाली बात है ना। मोहम्मद जाहिद महमूद को आप घुमाए जा रहे हैं, जवाबे में ऐसा एक मौका आया था कि जाहिद महमूद को चांस बन रहा था, लेकिन वहां पे भी आपने उसको जो ना नहीं खिलाया। देखो ये जो एक देखिए टाइमली जो है ना, मतलब अगर आप चांस नहीं देंगे, और ये टाइमली बिल्कुल चांस देना चाहिए, प्रोग्राम में टाइम कम है। जमील अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हाजी अशरफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तितम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद।